गायत्री और अभिषेक, अपनी गायत्री और अपना अभिषेक, बगल में ससुराल दे धमाल महेंद्र। सोच सोच उर्मिली, विदाई कैसी होगी? मैं गायत्री से कहूंगा, गायत्री बेटा अब तो ससुराल ही तेरा घर है, तुझे अपने मायके से दूर, बहुत दूर जाना है, पूरे 20 सेकंड दूर। हमारी आंखें हमारी बेटी को देखने के लिए तरसेंगी ना महेंद्र, तो हम इसे तड़प तड़प के इस खिड़की से ऐसे ए गायत्री करके चिल्लाएंगे और वो यहाँ आके जवाब देगी, हाँ बोलिए। महेंद्र मैं ना फटाफट मेरी माँ को फोन करके बता देती हूँ, वो तो खुशी से मर जाएगी। सच? अरे तू जल्दी बता महेंद्र। उर्मिली उर्मिली मरी रानी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे पड़ोस में ही सही, लेकिन गायत्री अगर इस घर से चली जाएगी तो घर बड़ा सूना सूना हो जाएगा, नहीं? और फिर रुकिए महेंद्र रुकिए, मैं जरा बाजरा लेके आती हूँ। बाजरा? हाँ, अभी मोर टहुका देते देते रोएगा ना। अरे नहीं रे मारी ढेल, मारी उर्मिली। अरे उर्मिली मैं तो ये कहने जा रहा था कि इस सुने घर में छोटे से नन्हे मेहमान को लाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना, है ना? जाओ ना वे तुम्हें, अभी साव बेशरम हो गए आप, छोड़िए मुझे, छोड़िए ना। बोले है सच में छोड़ दिए, तुरंत मान ली मेरी बात आपने? अरे तो मानूंगा नहीं डोबी, नन्ना मुन्ना मेहमान मतलब अपने अभिषेक और गायत्री की बेटी, हमारी पोती की बात कर रहा था मैं। ठीक, पर वो तो उनको इलाना पड़ेगा ना। लेकिन वो सब शादी के बाद है महेंद्र, आप जरा खम्मा करो है? और अभी आप सिर्फ सगाई के बारे में सोचिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि सब सारा वाना हो गया। वो तो है, सच में भगवान ने हमारी सुन ली है, क्योंकि बेटी की खुशी में ही बाप की खुशी होती है। मैं बाजरा लेके ही आती हूँ। क्या खुश हो? थोड़ी बहुत। थोड़ी या बहुत? Actually, बहुत थोड़ी। बहुत थोड़ी मतलब? मतलब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो गई इस बात से बहुत थोड़ी खुश हुई मैं, क्योंकि वो तो तुम्हारी कंफ्यूजन थी ना। लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होकर तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है, ये जानकर मैं बहुत 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 खुश हुई। मन कर रहा है तुम्हारी बाहों में समाकर तुम्हारे साथ डांस करूं। तो रोका किसने? मैंने खुद ने, क्योंकि अब तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है अभिषेक। अच्छा तो अभी कर देता हूं। गायत्री क्या मैं? नहीं ऐसे नहीं, जिस तरह मैंने तुम्हारी पसंद जानकर तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा देकर शुक्रिया अदा किया था ना, बस उसी तरह तुम्हें मेरी पसंद जानकर मुझे तोहफा देकर मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। अगर गिफ्ट पसंद आया तो डेफिनेटली हाँ कर दूंगी। अरे बाप रे, मतलब तुम्हारे ना कहने के भी चांसेस है? हाँ बिल्कुल है। तो तुम ना कहो उससे पहले मैं हैव अ डांस।
डांस। हाँ? मैं यहाँ, तुम वहाँ। गायत्री, I love you. I love you too. क्या तुम मुझसे? नहीं। इस बात का जवाब तो मेरी पसंद का तोहफा मिलने के बाद ही दूंगी। Good night. Good night. चाइनीज भाखरवड़ी अरे चाइनीज भाखरवड़ी खत्म हो गई है उर्मिला। हाँ। चाइनीज भाखरवड़ी और फलाफल भाखरवड़ी फटाफट लिया। हाँ। चल जल्दी जल्दी। हाँ 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 ये लो हसमुख भाई। ये औरत है। हाँ भैया मुझे नाम नहीं पता था ना इसके लिए सॉरी। अरे इनको एक पैकेट मिसल भाखरवड़ी देना। ओ मैंने सुझाव दिया था मिसल भाखरवड़ी का। हो ना आ, ये पेड़े अंकल। ये पेड़े नहीं है बटन है बटन। ये मैं अपने कोट पे सिलवाने वाला हूँ इधर। दरअसल ये दर्जी की दुकान है। ये उर्मिली उर्मिली वो देख टेढ़ा लाल गोखले। आपको क्या सिलवाना है? सलवार कमीज घाघरा चोली? आपके ही मोटा भाई है मुझे क्या बोल रहे हो। लेकिन संधि हम दोनों के होने वाले हैं और यही होने वाले हैं। अच्छा सुनो सुनो रुको रुको सब लोग रुक जाओ। अभी हमारे यहाँ से भाखरवड़ी खरीदने वालों को एक पैकेट बर्फी भेंट दी जाएगी। हा? क्या है ना हमारे अभिषेक की सगाई इनकी गुजराती बेटी गायत्री के साथ होने जा रही है। हमारे राम को सीता मिल गई है कि नहीं बोलो। हाँ और सुनो भाई और बहनों सगाई में सबको आना है। हा? सबको क्या सबको? माधवपेट माधवपेट माधवपेट। अरे हाँ सुनो पूरे माधवपेट को आना है। नहीं नहीं पुणे 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 पुणे। अरे उर्मिली मेरा बस चले तुम। हाँ हाँ तो पूरा भारत भारत हिंदुस्तान इंडिया इंडिया। अरे अन्ना ये पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। ओ उर्मिला बहन सुना मैंने क्या भारत क्या हिंदुस्तान इंडिया। हाँ कुंभ के मेले में रखनी है क्या सगाई? अरे वो मस्करी कर रही है। जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं देखो महेंद्र भाव 20 लोग आपके 20 लोग हमारे बस है। है लेकिन 30 तो सिर्फ वेटर होंगे अन्ना भाई। 30 वेटर? हाँ इबा हमारी इकलौती बेटी की सगाई है अन्ना भाई। लेकिन हमारे घर में चौथी सगाई है। बस प्रभाकर दादा बस। अरे आपकी और मेरी सगाई नहीं है कि चार लोगों को चिवड़ा और भाखरवड़ी दी अनिया ऐसे बोल के भेज दिया। अरे ये अन्ना के राम की सगाई है ना अन्ना? अरे नहीं नहीं ए प्रभाकर बाड़ा ऐसा मत सोचना। हाँ मैं अभिषेक की सगाई भी सादगी से करूंगा पूरी दुनिया नहीं लुटाऊंगा। उर्मिला बहन सुना आपने? हाँ एकदम सादगी से सगाई हमारे वाड़े में होगी और जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही होगी। बस अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई 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 भाई
ज्यादा से ज्यादा 80 लोग बस। 8,000 अरे अन्ना भाई उर्मिली आप दोनों दुकान के बाहर जाके झगड़ा कीजिए। अरे देखिए कस्टमर की कितनी भीड़ है यहाँ। पता नहीं तुम दोनों का न तेरा न मेरा कब खत्म होगा। उन्होंने 80 से शुरू किया तो तू 8,000 तक पहुंच गई। तो फिर मैं अभी सेटल करके आती हूँ। महेंद्र रुको जा। नहीं आओ आओ बाहर आओ जा। खस जाओ तो भाई बहन बता खसी जाओ तो। मुझे झगड़ा बिगड़ा नहीं करना है। मैं मान जाता हूँ 81 लोग बस। जोयो 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 मुझे पता था आप मोगेम्बो गिरी करेंगे ही करेंगे। एक काम करते हैं ना अन्ना भाई बच्चे लोग को बोल देते हैं कि जाओ बाग के सगाई कर लो कोई खर्चा होगा ही नहीं है। अरे बात खर्चे की नहीं है उर्मिला बहन बात उसूलों की है। मेरे बाकी बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अभिषेक के साथ पक्षपात कर रहा हूँ करके। अच्छा एम तो फिर मैं आपको धमाकेदार सगाई का फंक्शन करने का ऐसा आइडिया बताती हूँ ना कि सांप भी मर जाएगा और बैट भी नहीं टूटेगा। लाठी लाठी नहीं टूटेगी ऐसा बोलिए उर्मिला बहन। हाँ भाई यही बात सेम हवे। अरे सेम कैसे सेम कैसे लाठी और बैट सेम क्या एम। आपको अगर अभी सांप काटने आएगा और बाजू में बैट रखा होगा तो आप क्या बैट उठा के उसको मारेंगे। नहीं ये बोल के नहीं ना कहावत में तो लाठी लिखी है तो मैं तो लाठी से ही मारूंगा वो भी मराठी वाली लाठी से हैं। नहीं मराठी गुजरात सांप को मारना ही क्यों हाँ अगर सांप मुझे काटने आएगा ना तो मैं वो राजू पानसारे को फोन करूंगा जो वो सांप पकड़ते है ना उनको बुला लूंगा मैं। और आपने ऐसी हिंसा भरी कहावत क्यों बोली उर्मिला बहन। ओ चंगू गोखले मंगू ठक्कर मुद्दा क्या है सांप या सगाई। सही आप दोनों मुद्दे पे रहिए ना तो आने जो ना। और ना भाई एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए मैं रास्ते में आपको सब समझा देती हूँ। लेकिन मैं दुकान छोड़ के कैसे आ सकता हूँ। और ना भाई टाइम देखिए टाइम 1:05 कम है अभी चला चला टाइम खत्म टाई और सप्लीमेंट ऐसा बोलने का टाइम हो गया है। आज तो सारी बकरवाड़ी खत्म हो गई अन्ना। अच्छा सब बकरवाड़ी खत्म देखा चलो चलो अभी मैं समझाती हूँ। मेरी मिमी के फिर से करो तला तला करो। आओ एक पैकेट मेरा बेटा एग्जाम में फर्स्ट है मतलब मैं एग्जाम में फर्स्ट आया हूँ। दादा मेरी माँ का जन्मदिन है तो प्लीज। माँ ने सुने नहीं वो बरोबर है लेकिन बाकरवाड़ी खत्म होगी। देखिए एक आधा पैकेट तो होगा ना प्लीज। अरे बाबा खत्म हो गई ये बाकरवाड़ी। एक मिनट हटिए हटिए देखिए मुझे तो एक पैकेट देना ही पड़ेगा मेरे पिताजी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये नया है क्या क्या बोले फिर से बोलिए। नहीं मैं सच कह रहा हूँ जब हम लोगों ने पिताजी से पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो उन्होंने कहा मेरी मनपसंद गोखले बंदू की बाकरवड़ी मुझे खानी है। ओहो ये बरोबर है लेकिन बाकरवड़ी सही में खत्म हो गई। देखिए प्लीज ऐसा मत कहिए मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है। अरे एक मिनट ये आप ये पैकेट रखिए लीजिए और खाली पैकेट। अरे बाबा पूरी बात तो सुनो वो वहां पे वो दुकान में है ना वो खड़े हैं वो महेंद्र भाव। ए महेंद्र भाव हमारी बाकरवड़ी खत्म हो गई है लेकिन आपकी तो इतनी सारी बची है ना। केशव हमारी दुकान 1-4 खुली रहती है तो जब आप लोग 4 दुकान खोलने आओगे ना तब तक मेरी पूरी दुकान खाली हो जाएगी। वो तब की तब देखेंगे हा? लेकिन मेरा एक अभी फिलहाल काम कीजिए प्लीज। ये भाई साहब को ना मैंने अपने दुकान का खाली पैकेट दिया है उसमें आपकी वो जो चाइनीज वाली बाकरवड़ी है ना वो जरा डाल के दे दीजिए। चाइनीज बाकरवड़ी क्यों 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 ऐसा क्यों। अरे वो क्यों आपको ये भाई साहब बताएंगे। रो भाऊ आपके प्रॉब्लम का यही एक विकल्प है अगर आपको आपके मरते हुए पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है तो। हाँ हाँ बिल्कुल इच्छा पूरी करनी है। वैसे हमको तो अंदाजा ही नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। वो ऐसा होता अभी कल ही मैं उनके लिए नई चश्मे की फ्रेम लाया था। अरे भाऊ वो नई फ्रेम पहने बिना ही टपक जाएंगे। जावा हाँ जाता हूँ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपकी। दरअसल मेरे पिताजी। आपके पिताजी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं दरअसल मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है कि उनकी मनपसंद गोखले बंदू की बाकरवड़ी उन्हें खानी है लेकिन इनके यहाँ तो बाकरवड़ी खत्म हो गई है। अब मैं उनकी आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूंगा इसलिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं दीपक। अरे केशव
तू हंसता क्यों है? बेचारे के पिताजी। अरे क्या बेचारे के पिताजी, फेंकड़ है वो, लेकिन बहाना मस्त लाया था हमारी बाकरवाड़ी खरीदने का। पिताजी आखिरी सांस ले, झूठा कहीं का। अच्छा भाई 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 भाई। लगता है कोई चोर चोरी करने के लिए इस बालकनी से उस बालकनी में गया है। आप उर्मिला वहिनी और महेंद्र बाबू को बुलाइए, जाइए। बराबर, ये चोर तो आज गया, तो संभाल लो निर्मिति। आप जाइए वहिनी। बराबर। ए गायत्री। भाई 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 भाई, क्या हुआ भारती भाभी? इधर आ इधर आ। क्या हुआ? तुम्हारे घर में चोर घुसा है, चोर हमारी बालकनी से होते हुए, वो देखो। मर गया वो चोर। अच्छा मर गया। बरबर। ए निर्मिति। भाभी मर गया मतलब वो मर नहीं गया। अगर भाई तुम गुजराती लोगों में मर जाते तो मर नहीं जाते, हमारे में तो मर जाते तो मर जाते हैं। नहीं, हम उसको जिंदा करते हैं फिर से मार डालते। अच्छा बरबर, चलिए। मेरे कमरे से आवाज है, सब लोग कुछ ना कुछ उठा लो। अरे वही सोफा उठा के जाएंगे क्या? अब ये लो गायत्री। 1 2 3 अभिषेक। तूने ये साइड बिजनेस कब से चालू किया चोरी का? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अन्ना को पता चलेगा ना तो शर्मिंदगी से जहर का की जान दे देंगे। शुभ शुभ बोलिए वहिनी। बराबर, अन्ना तो शर्मिंदगी से दरिया में डूब के जान दे देंगे। ये शुभ शुभ था? हाँ, दरिया के अंदर मजा तो आएगा ना उनको डूबते डूबते। गर्मी कितनी है आजकल, है ना? तो तू वही नहीं, मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ। तो फिर ये गायत्री का पंजाबी सूट क्यों लिया है तूने? ये पहनने वाला है सगाई में? नहीं। हाँ फिर ठीक है, बहुत सादा लगेगा। अच्छा मतलब अगर अभिषेक गायत्री का महंगा वाला घाघरा चोली चुरा लेता तो चलता? अरे भारती भाभी, ये इडियट यहाँ मेरी पसंद पता करने आया था ताकि मुझे मेरी पसंद का तोहफा दे और मुझे प्रपोज कर सके। चल चल निर्मिति, कर रखा है मैंने। चल चल सासू भाई। हेलो हेलो। लेकिन सॉरी यार, बट इतनी आसानी से मेरी पसंद पता नहीं चलेगी। और ये सलवार कमीज या मेकअप की चीजें, ऐसी फालतू चीजें तो के ना, तो तुम प्रपोज करोगे तो भी हाँ नहीं कहोगी, समझे मिस्टर रोमियो? ट्राई अ लॉट हार्डर। फिर पका के लेके जाऊंगा। तोहफा तो तब भी देना पड़ेगा। वाह 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 निर्मिति, ये रोटी तो एकदम मक्खन की तरह मुलायम है। हाँ वही नहीं स्पेशल अन्ना। अच्छा आटा मैंने दूध में गूंदा था ना। अप्रतिम अप्रतिम। ये मसाले भात भी एकदम स्वादिष्ट है ना। कौन कहेगा कि चावल 8 महीने पुराने हैं? पूरा बोल ना तू। अहो कच्चे चावल, कच्चे चावल स्पेशल पुराने वाले बासमती खुशबूदार। हाँ अच्छा अच्छा, वो तो अच्छे होते हैं। आज तो मैं डबल खाऊंगा डबल। आज है ना हमारी दुकान पे एक भी बाकरवड़ी बची नहीं। हाँ सब खत्म हो गई। वो नई वाली है ना, वो मिसल बाकरवड़ी, वो कोथिंबीर वाली बाकरवड़ी, वो भी वो जो मैंने सुझाव दिया था वो भी नहीं बची है कि नहीं, बोलो। हाँ अरे आई,
लोग क्या क्या बहाने बना रहे थे भाकरवड़ी खरीदने के लिए। हाँ, एक जन बोला कि मुझे दे दो, मेरा बेटा स्कूल में पहले नंबर पे आया है। और एक ने बोला कि मुझे दे दो, मेरी मेरी आई का जन्मदिन है, मैंने वादा किया मेरी आई से। बोलो। और एक भाई साहब तो वो केशव, क्या 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 कहा? अरे उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आखिरी सांसें ले रहे हैं, गोखले बंधु की भाकरवड़ी खा के ही मरना चाहते हैं, एक पैकेट दे दो। और इनको लगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। बोलो। अरे प्रभाकर नालायक। नहीं नहीं अन्ना, मैंने तो कहा कि भाकरवड़ी खत्म हो गई है, आप कहो तो मैं आके आजोबा को मेरा नया गाना सुना दूं। ओहो, मतलब बेटा भी गुजर गया होगा दुकान पे ही। वैसे अन्ना, वो आदमी है ना, झूठा बहाना बना रहा था अपने पिताजी के मरने का। कप्पा बस, बहाना क्या बहाना, ऐसे कोई वस्तु के लिए अपने पिताजी के मरने का बहाना बनाएगा क्या कोई? वो भाई साहब को इसने बोला कि हमारे यहाँ की भाकरवड़ी खत्म है, आपको चाहिए तो महेंद्र भाव के दुकान की भाकरवड़ी अपने मरते हुए पिताजी को खिला दो। अरे पर वो बेचारे काका हमारे दुकान की भाकरवड़ी को तरस रहे थे तो फिर वो। हाँ हाँ ना, लेकिन प्रभाकर दादा ने गोखले बंदूक का खाली बॉक्स दे दिया महेंद्र भाव को, ये बोल के कि मरते हुए आदमी को कहाँ पता लगने वाला है कि गोखले बंधु के बॉक्स में भाकरवड़ी तो गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स की है कि नहीं प्रभाकर दादा? प्रभाकर, मरते हुए आदमी के साथ धोखा किया तूने? हाँ, वो बेचारे काका गलत भाकरवड़ी खा के चल बसे होंगे और उनकी आत्मा ने वो गुजराती वो चाइनीज भाकरवड़ी खा करके उल्टी की होगी स्वर्ग में। नहीं नहीं, स्वर्ग तक भी पहुंची नहीं होगी आत्मा, भटक रही होगी उनकी आत्मा इधर से उधर, उधर से इधर।